नमस्कार, मैं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम खबरों पर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निजी अस्पतालों को जुलाई में 12 करोड़ वैक्सीन आपूर्ति से अलग उपलब्ध होंगी व राज्यों को 15 दिन पहले आपूर्ति की सूचना दे दी गई है। राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने उत्तराखंड में महामारी के बीच एहतियात के तौर पर हरिद्वार से सावन के महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा को किया रद्द। हिमाचल प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट का मिला पहला मामला। डॉक्टर रेड्डी ने कहा, सरकार स्पुतनिक लाइट के रूसी सुरक्षा डेटा को करेगी स्वीकार, तीसरे चरण के परीक्षणों की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में लगभग 79 लाख कोविड-19 खुराकें हुई प्रशासित। भारतीय एम्स निदेशक का कहना है, यदि कोविड-19 मापदंडों का पालन व टीकाकरण ठीक से कराया गया तो तीसरी लहर आने की संभावनाएं नहीं है। सरकारी पैनल ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 2 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों पर कोवैक्स का परीक्षण करने की अनुमति देने के खिलाफ की सिफारिश। जॉनसन एंड जॉनसन ने आज डेटा की घोषणा की, जिसने तेजी से फैल रहे डेल्टा प्लस वेरिएंट व अत्यधिक प्रचलित SARS-CoV-2 वायरल वेरिएंट के खिलाफ अपने सिंगल शॉट वैक्सीन उत्पन्न मजबूत लगातार गतिविधि का किया प्रदर्शन। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कल की रिपोर्ट से बताया कि भारत में 18,80,026 नमूनों का परीक्षण किया गया है। मुंबई सरकार का कहना है कि केंद्रों पर केवल दोपहर 2 से 5 बजे तक होगा टीकाकरण। वैक्सीन की कमी के बीच मुंबई में कोवैक्सीन केवल दूसरी खुराक के लिए और कोविशील्ड केवल 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए दिया जाएगा। भारत में कोविड-19 से ठीक होने का दर 97% के पार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी को समझना चाहिए कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में गंभीरता की बजाय शुद्ध राजनीति नहीं है सही। इसी प्रकार देश भर की तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहे लोकल न्यूज ऑफ इंडिया के साथ। धन्यवाद।